अमरोहा जनपद के डिडोली कोतवाली इलाके में घर से लापता छात्रा का शव हाईवे किनारे पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने हत्या कर शव को फंदे से लटकाए जाने का आरोप लगाया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। इसके बाद परिजनों को छात्रा की मौत की जानकारी मिली, जिससे परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। इस दौरान परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मंडी धनोरा निवासी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। छात्रा का शव डिडोली कोतवाली क्षेत्र में हाईवे किनारे शानलू का जिरायत के पास पेड़ पर लटका मिला। बताया जाता है कि कस्बा डिडोली के रहने वाले किसान पप्पू सिंह की बेटी मोनिका बीए की छात्रा थी। वह शुक्रवार अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली, लिहाजा परिजनों ने शनिवार को मंडी धनोरा निवासी युवक मोनू के खिलाफ बहला फुसला कर ले जाने का मुकदमा दर्ज करवाया है। रविवार को पुलिस ने मोनू को हिरासत में ले लिया था, उससे पूछताछ की जा रही है। सोमवार को दोपहर लगभग 12 बजे एक राहगीर ने शयोनाली की जिरायत से थोड़ा आगे हाईवे किनारे अपनी कार रोकी तो उसकी नजर खाली पड़े प्लाट में खड़े पेड़ पर गई, जहां युवती की लाश लटकती देखी। उसने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना के डिडोली प्रभारी निरीक्षक शरद मलिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और युवती के शव को नीचे उतारा। मृतका की शिनाख्त मोनिका के रूप में हुई है। बाद में एएसपी अजय प्रताप सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे तथा मुआयना किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। आपके डिडोली क्षेत्र में जो ये घटना हुई थी क्या था? डिडोली में जो एक बेटी की बॉडी लटकती मिली थी, ये संज्ञान में आया कि इसे एक व्यक्ति इसको ले गया था, तो उसका नाम प्रकाश में आ गया है और एक अन्य व्यक्ति कहने पर ले गया था, तो दोनों व्यक्ति नाम प्रकाश में आ गए हैं। बॉडी को पीएम के लिए मोर्ची भिजवा दिया गया है और इनके खिलाफ विधि कार्रवाई की। तो सर क्या उसका इसमें कोई रोल निकला अभी तक? हाँ, रोल निकला है। एक लड़का उसको बहका के ले गया था, हालांकि संज्ञान में आया कि हो सकता है उनके कोई संबंध रहे हो पहले से, इसलिए ले गया हो। लेकिन चलो विवेचना का विषय, जैसे जैसे तथ्य आएंगे वैसे वैसे कार्रवाई की जाएगी। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकी सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपड़ी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050111009। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।